गोपी कांदर प्रखंड मुख्यालय से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर टाइजोर पंचायत अंतर्गत मुड़ासोल गांव का जोजो टोला एक आदिवासी बाहुल टोला है। टोला में लगभग 80 लोग रहते हैं। यहां के ग्रामीणों का कहना है कि यहां पेयजल की भारी दिक्कत होती है। ग्रामीणों का कहना है कि जब से होश संभाला है तब से इस टोला के ग्रामीण एक झरना का पानी पीते हैं। झरना का पानी गंदा है, इससे बीमारी होने का डर बना रहता है, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। टोला से करीब 1.5 किलोमीटर दूर पथरीले रास्ते से होकर झरना तक जाकर पीने का पानी लाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि झरना का पानी लाने के लिए धूप वर्षा का कष्ट झेलना पड़ता है। अगर झरना का पानी सूख जाता है तो ग्रामीण दूसरे गाँव से पीने का पानी लाते हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि मुखिया चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सभी सत्ता उम्मीदवार यह आश्वासन देते आए हैं कि जीतने के बाद आपके टोला में चापानल लगवा दिया जाएगा, लेकिन अब तक जीतने के बाद किसी भी उम्मीदवार ने इस टोला में चापाकल नहीं लगवाया। इससे ग्रामीण आक्रोशित और नाराज हैं। टोला में व्याप्त जल समस्या की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 जुलाई 2020 तत्कालीन दुमका उपायुक्त राजेश्वरी बी को मुख्यमंत्री ने ट्विटर के माध्यम से निर्देश दिया था कि कृपया उक्त मामले में जांच कर लोगों को पीने का पानी एवं अन्य जरूरी मूलभूत सुविधाओं को जोड़ते हुए सूचित करें। मुख्यमंत्री ने पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और राजमहल सांसद विजय कुमार हांसदा को भी इस ट्विटर में टैग किया था। उस पर दुमका उपायुक्त राजेश्वरी जी ने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल संख्या 1 दुमका को रिपोर्ट ट्वीट करते हुए लिखा था कि इलाका ड्राई जोन है, उच्च प्रवाही नलकूप चापानल की जरूरत है। पेयजल और स्वच्छता विभाग को निर्देश दिया गया था कि 2 दिन में DPR बना कर दे दिया जाए, उसके बाद प्रोजेक्ट को स्वीकृति और इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के ट्वीट के 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सोलर की उच्च प्रवाही नलकूप चापानल अब तक जोजो टोला में नहीं लगाया गया। ग्रामीणों ने कहा कि उस समय ट्वीट के बाद पेयजल और स्वच्छता विभाग के अभियंता स्थल निरीक्षण करने जोजो टोला आए थे और स्थल के आसपास झाड़ियों को काटने का निर्देश दिया था। उसके बाद से विभाग कुंभकर्णी नींद में सो गया। दोबारा मामले की सुध लेने कोई नहीं आया। इससे ग्रामीण काफी नाराज हैं और निराश भी। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विभाग एवं प्रशासन से मांग की है कि जल्द से सोलर की उच्च प्रवाही नलकूप चापानल लगाया जाए। इस मौके में दानियल मुर्मू, माहेश्वरी मुर्मू, गोपिन सोरेन, चांद मुनि मुर्मू, नानी किस्कू, विमल सोरेन इत्यादि उपस्थित थे। स्वदेश वाणी के लिए दुमका से बसंत भालोटिया की रिपोर्ट। अच्छा, आपका टोला में पानी का क्या समस्या है? कहाँ से पानी आप लोग लाते हैं? हम लोग का गांव में ना बहुत समस्या है पानी का। हम लोग कितना दूर से लाते हैं पानी? 1-2 किलोमीटर दूर से लाते हैं पानी। पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? झरना है, झरना से लाते। और पानी क्या कैसे रहता है? गंदा है झरना का पानी, वही हम लोग पीते हैं बचपन से अभी तक, इसलिए ना हम लोग को सर्दी लगता है और बुखार पड़ जाता है। अच्छा, टोला में कोई चापाकल नहीं है? नहीं है, एक भी नहीं है। हेमंत सोरेन पहले बोला था, 2 साल पहले बोला था मुड़ासोल जोजा टोला में एक डीप बोरिंग लगाया दिया जाए। अभी तक 2 साल बीत गया, अभी तक हम लोग को डीप बोरिंग एक भी नहीं मिला है, तो हम लोग क्या करें अभी? प्लीज कृपया करके हम लोग को एक डीप बोरिंग दिला जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नानी किस्कू हुआ, गाँव मुड़ासोल जोजा टोला की हूँ। अच्छा, क्या क्या दिक्कत होता है पानी इतना दूर से ले जाने से, झरना का पानी? शाम में थोड़ी ना आ सकते हैं सर पानी लेने, रात हो जाता है और अभी भी इतना दूर धूप दे रहा है, इतना देर जोर से थोड़े लेके जा सकते हैं सर, इतना धूप में भी, और जाने आने में भी दिक्कत होता है। दावा चे समस्या में ना उका खोई न्यू लगी दा दो गुई दा बुन अतिने संगील खोई गुई दा बुन दा ले गुई दा 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आसपास ही। अच्छा, झरना रे दा लेंगे दा अबे बोटे। अच्छा, आपे आतु रे दावा चे समस्या उका खोई दा दो गुई दा बुन दा दो गुई हियो कना नोते धावा डंगल खन है धावा डंगल खोई आ खूब के मुश्किल आ झाज पड़ा लंखा तो हो जा सुगे पोई को हले गुई दा। आ नीतो दो का खोई नोते खोई नीतो तो मुंडा सिमर गे मुंडा सिमर चे।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।